यूके व ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी नस्ल भेदी वर्ण वैषम्य टिप्पणी बाद नु निजे अत्यंत गंभीरतार सह एवं विषय मध्य गंभीरतार सह उभय पक्ष को जदि आम देखा ताहले निजे अत्यंत गंभीरतार सह ऋषि सुनक कहिसंती कि तांकु नस्ल भेदी टिप्पणी करा जायछि एवं एक खबर मध्य एथिपय गंभीर जे खोद ब्रिटेन प्रधानमंत्री मध्य एभली वर्ण वैषम्य टिप्पणी बाद पड़ी ना विभिन्न पाश्चात्य राष्ट्र निज को समृद्ध निज को विद्वान निज को टेक्नोलॉजी रे एडवांस बोली कहुथुवा बळे एमानंक मनरु एही अत्यंत घृण्य चिंताधारा बा एही आधारित शब्द मध्य बात पडु नाही। एभली क्षेत्र रे लगातार भाबरे एबे ब्रिटेन प्रधानमंत्रींकर किछि बयान सोशल मीडिया रे जोरसोर भाइराल हवाकु लागि। दर्शक बंधु ब्रिटेन रे एबे निर्वाचन माहौल 4 जुलाई रु एही भोटिंग प्रक्रिया आरंभ होई जिवो। संभवतः ऋषि सुनक जे वर्तमान ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री रहिचंती से होचंती मुख्य शासक कंजर्वेटिव दल रो। तो मोटामोटी ब्रिटेन रे कंजर्वेटिव दल एवं लेबर पार्टी निर्वाचन लढिबाकु जाउचंती एवं एथिरे किछि मात्रा रे लेबर पार्टी निर्वाचन रो निष्पत्ति उपरे आगुआ रहिथिबार सूचना मध्य दिया जाउ। एतिकि बेले कंजर्वेटिव पार्टी रो जे दलर प्रतिनिधित्व करथु एवं ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहिचंती कि संभवतः तांकु पाकी बोली कही अनेक समालोचना करा जाउची एवं एही समालोचना कले किछि नै से जने होचंती पक्का हिंदू। तो मोटामोटी भाबरे तांकु पाकी बोली कहाजिबार कारण कोन ए संबंध रे एको व्यापक विश्लेषण रो आवश्यकता रहिची जहाकु आमे जदि आमे संक्षिप्त रे चिंता करिबा 1860 मसिया बेळकु संभवतः जेतेबेळे भारतीय उपमहाद्वीप रु अनेक लोक सेतेबेळकु त बांग्लादेश भी गठन होइ नथिला भारत बांग्लादेश बा एही भली पाकिस्तान रु अनेक लोक धीरे धीरे ब्रिटेन रे बसिबा आरंभ धीरे धीरे एमाने ब्रिटेन रे रहिले किए पढ़ेबा पई गला किए व्यापार पई गला धीरे धीरे एमानंकर परिवार मध्य सेठारे बढ़िबारे लाखिला एवं जेतेबेले ब्रिटेन बासी एमानंक सह मिसिबा आरंभ कले सेतेबेले सेमानंकु पाकिस्तान रु जाइथिबा शरणार्थी बा पाकिस्तान रु जाइथिबा आदिवासी मानंक सह मिसिबा कष्ट हला कारण एमाने कहा सह सहजरे मिसि पारु नथिले एवं एई जो भिन्नता बा पार्थक्य देखा गला तो मोटामोटी भाबरे गोरा लोक जे माने गोरा नुहंती बा जो माने तांको भली गोरा नुहंती नीलो आखी नुहंती एवं मोटामोटी जदि आमे चुट्टी देखिबा सेई भली नाही तो मोटामोटी से माने पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो भारत हो नेपाल हो एमानंको आ भिन्न भिन्न दृष्टि रे न देखी सीधा सळख पाकी बोली शब्द उच्चारण करबा आरंभ करतेले जहां सीधा सळख बिना गोरा रे बाकी शारीरिक रंग जहां से उद्देश्य रे कुहा गला जहां कि भारत हो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो एमाने कोनोसी अंचलिक विभेद न रखी प्राय प्राय समस्तंकु पाकी डाकिबा आरंभ करदेले एवं एहा केवल ब्रिटेन रे सीमित रहिला नाही अनेक देशक मध्य व्यापिबा आरंभ कला एवं सबुटु बड कथा हला कि आजि भी आमे जदि पाकिस्तान हो भारतीय हो बांग्लादेशी हो एमानंकु किछि लोकंकु गोटे स्थान छाड़ दबा हटात कहिबा मुश्किल हबो किए भारतीय कि पाकिस्तानी कि बांग्लादेशी तेणु मोटामोटी भाबरे जो गोरा एवं कलार विभेद एहा प्राय प्राय ब्रिटेन रु ही परिचालित हुई सामना को आसीछि। जदि आमे 2023 मसिया रे शेष आड़ को देखिबा पाकिस्तान रो एक क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाइथिला क्रिकेट खेलबा पई एवं एक खेल भितरे हटात कमेंटेटर मध्य एभली एक शब्द व्यवहार करबा सामना को आसीला एवं एथिरे समालोचना मध्य होइथिला। त आपण मानको प्रश्न हो ए तो ब्रिटेन नहो ए तो ऑस्ट्रेलिया एठारे काहे कि शब्द उच्चारण होला कथा उचि कि ब्रिटेन रो तो शब्द बाहरला किंतु कॉमनवेल्थ जहां कि एकदा ब्रिटेन रो अधीन भी थिला एवं आज भी किछि अंचल ब्रिटेन रो अधीन रहिछि ए सब अंचल रे भी मध्य पाकी शब्द को व्यवहार करा जाय ऑस्ट्रेलिया हला कनाडा हला एई भली अंचल रे भी पाकी शब्द को व्यवहार करा जाउछि एवं मोटामोटी भाबरे ऋषि सुनक पई बड समस्या हला कि वर्तमान समग्र यूरोप रे धरा जो फ्रांस रे वर्तमान चरम दक्षिणपंथी जेउ खड़ी भाबरे निर्वाचन जीति यूरोपियन संघ को जाइचंती अर्थात पूंजीवाद को विश्वास करथुवा देशरे शरणार्थी मानंकु पसेई न दउथुवा अन्य लोक बाहरु आसी निजर देशरो चाकरी नै जाउथुवा भली अभियोग बाडुथुवा एमानंकु देशरो विताडित करबा पई दाबी करथुवा एई भली चिंताधारा व्यक्ति माने एबे धीरे धीरे पश्चिम राष्ट्र रे मुंड टेकिबा आरंभ कलेनी ब्रिटेन रे विषय किंतु एठिरे समस्या हला कि खोद ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी मध्य चरम दक्षिणपंथी पार्टी होइथिले सुद्धा ऋषि सुनक एभली स्तर रे पाकी बोली नसलभेदी टिप्पणी करबा संभवतः तांकु खूब बाधी थिवार जना पड़िछि। बयानबाजी रे तो से कहिछंती कि
ତାଙ୍କୁ ତ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଶାଳୀନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ଜଣେ ପକ୍କା ହିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ନାମରେ ଶପଥ ନେଇ ଜଣେ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବୟାନବାଜିରେ କହି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାକି ଶବ୍ଦ କହିଛି ସେ ତ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବି ତ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ଋଷି ସୁନକ କହିଥିଲେ କି ଏଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦ, ନସଲଭେଦୀ ଟିପ୍ପଣୀର ଶବ୍ଦ, ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଋଷି ସୁନକଙ୍କୁ ଏଭଳି ନସଲଭେଦୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି ଏକଥା ତ କୁହାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭଳି ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ଚାଲି ଏ ମାମଲା କେଉଁ ବାଟରେ ଗତି କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।